दोस्तों आज यूक्रेन ने रशिया की राजधानी मॉस्को को हिलाकर रख दिया है और रशिया का S-400, S-500 यूक्रेन के सामने धरा का धरा रह गया है। दरअसल आज यूक्रेन की तरफ से रशिया की राजधानी मॉस्को के बिल्कुल सेंटर में एक जोरदार धमाका किया गया है और इस धमाके के दौरान यूक्रेन की तरफ से कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था और यूक्रेन की तरफ से रशिया के ऊपर ये अकेला हमला नहीं किया गया है बल्कि यूक्रेन की तरफ से 3 और ऐसे ही हमले रशिया के ऊपर किए गए हैं और रशिया की राजधानी मॉस्को में जो हमला हुआ है इसकी वजह से एक बिल्डिंग के पूरे परखच्चे उड़ गए हैं जिसकी वजह से रशिया को एक बड़ा नुकसान देखने को मिला है। मॉस्को के साथ साथ यूक्रेन की तरफ से एक हमला क्राइमिया पर भी किया गया है लेकिन दुनिया भर के देश इस बात को लेकर पूरी तरीके से हैरान हो चुके हैं कि जब अब से कुछ ही दिन पहले रशिया की संसद पर ड्रोन हमला हुआ था उसके बाद भी रशिया ने अपनी प्रोटेक्शन को ज्यादा मजबूत क्यों नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि रशिया की तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई हो बल्कि रशिया की तरफ से मॉस्को के अंदर अपना S-400, S-500 और पैंतजीर जैसे एयर डिफेंस सिस्टमों को तैनात किया गया है लेकिन ये डिफेंस सिस्टम इन कामिकाजी ड्रोनों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। लेकिन अब एक सवाल ये भी उठता है कि जब रशिया ने अपने एडवांस डिफेंस सिस्टमों को तैनात कर दिया है तो रशिया फिर भी अपनी राजधानी की प्रोटेक्शन क्यों नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे केवल सिंपल सा रीजन यह है कि ये रशिया की फेल स्ट्रेटेजी के कारण हो रहा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूक्रेन की तरफ से पहले रशिया की राजधानी मॉस्को के ऊपर 20 से 25 दिन में एक ड्रोन हमला किया जाता था वहीं पर अब तो यूक्रेन की तरफ से हर 10-15 दिन के बाद ही रशिया की राजधानी के ऊपर ड्रोन हमला कर दिया जाता है और अगर रशिया की तरफ से अपनी स्ट्रेटेजी को नहीं बदला गया तो ये दिन भी दूर नहीं है जब यूक्रेन की तरफ से आए दिन रशिया की राजधानी मॉस्को के ऊपर हमले किए जाएं। और अगर जल्द ही रशिया की तरफ से यूक्रेन के इन कामिकाजी ड्रोनों का इलाज नहीं किया गया तो ये ड्रोन आने वाले समय में रशिया को और बड़ा नुकसान देंगे।